अली बाबा घर पहुंचते ही अपनी बीबी के सामने सोने की भरी हुई बोरी खाली कर दी। बेगम सीनत तो सोने और चांदी के सिक्के देख दंग रह गई। उसने अली बाबा से पूछा कि कोई तुमने चोरी तो नहीं की ना? यह सुन अली बाबा बोला, नहीं बेगम, ये तो अल्लाह की देन है, खुदा हम पे मेहरबान हुआ है। ऐसा बोलते ही उसने जंगल में घटी सारी कहानी जीनत को बयां की। जीनत तो बहुत खुश हुई और सोने चांदी के सिक्के गिनने लगी। यह देख अली बाबा बोला, बेगम मैं इस खजाने को जमीन में गाड़ देता हूँ ताकि किसी को पता ना चले। यह सुन जीनत बोली, थोड़ा रुकिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कितनी दौलत है, इसलिए मैं अभी आपके भाई कासिम के घर जाकर तराजू लाती हूँ। यह कहकर जीनत कासिम के घर चली गई और इधर घर में अली बाबा खड्डा खुदाई करने लगा। इधर जीनत ने कासिम की बीबी से तराजू मांगा, लेकिन चला कासिम की बीबी को शक हुआ कि इतने रात जीनत को तराजू किस लिए चाहिए। इसका पता लगाने के लिए उसने तराजू के पीछे थोड़ा सा मोम लगा दिया ताकि समझ में आए तराजू से क्या गिना गया। जीनत घर आकर मोहरे गिनने लगी। अली बाबा ने ही खुदाई पूरी कर दी थी, इसलिए उन्होंने सारा खजाना उस गड्ढे में छिपा दिया। यह होने के बाद जीनत ने तराजू वापस लेकर कासिम के घर चली गई। जीनत ने बिना कुछ देखे समझे तराजू लौटा दी, लेकिन तराजू के पीछे बॉम्ब के साथ एक मोहर भी चिपक गई थी। आगे क्या हुआ जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ किड्स वन पे।